नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज राज एंड यू आर वाचिंग टेक हेल्प इन हिंदी यूट्यूब चैनल। कल की आपने मेरी वीडियो देखी हुई, क्रिप्टो टैक्स 40% यानी कि 37-38 से लेकर 43 तक परसेंट का हमारी कैलकुलेशन निकल कर आ रही थी, ठीक है। और उससे पहले एक न्यूज आई थी क्रिप्टो टैक्स को लेकर के, वो रिड्यूस कर सकते हैं क्रिप्टो को, पर 6 महीने का इन्होंने टाइम लाइन मांगी है। उससे पहले भी काफ़ी सारी न्यूज इससे रिलेवेंट आती जा रही है। आपको पता होगा 1 अप्रैल से 30% जो भी आप क्रिप्टो के ऊपर जो प्रॉफिट गेन करोगे उस पर 30% का आपको सीधा टैक्स लगेगा उसके। ये तो नॉर्मल आपको पॉइंट बताया गया है कि 30% टैक्स लगेगा, इसके साथ काफ़ी सारे और हिडन चार्जेस भी हैं। फॉर एग्जांपल एक्सचेंज की फ़ीस लगेगी, सीए को जो फीस लगेगी, साथ में सरचार्ज, सेस, ठीक है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो लगता है वो लगेगा, ठीक है। बट इसके अंदर एक अमेंडमेंट किया और साथ में जीएसटी, ठीक है। बट अभी का जो करंट सिनेरियो के हिसाब से बात करते हैं, मैं सीधा लेकर चलता हूँ उस न्यूज़ पर। देखिए इनकम टैक्स स्लैब की बात करते हैं, ये देखिए इनकम टैक्स स्लैब्स है जिसके अंदर ये जो स्लैब दिए गए ये हमारे लिए अप्लीकेबल नहीं है। हमारा सीधा सीधा खाता क्या है 30% का है, ठीक है, इसलिए हम इसके अंदर नहीं आते। हम सीधे 30% पर आएंगे, हमें फ्लैट 30%। अगर आपने मैं कह रहा हूँ आपने 10,000 रुपये लगाए और आपने सिर्फ 10,000 में 100 रुपये ही कमाए, किसी एक ट्रेड में 100 रुपये कमाए, 9 में आपने लॉस कर दिया है, ठीक है। 10,000 में से आपने 9,000 रुपये लॉस कर दिए और 1,000 रुपये से आपने 100 रुपये बना लिए। अब उस 100 रुपये के ऊपर भी आपको टैक्स देना होगा, ये है कहानी। जो लॉस किया उसकी कोई गिनती नहीं है, प्रॉफिट पर आपका आपका हक है गवर्नमेंट का, ये उनकी तरफ से कहना है। बाकी अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा, मेरी एक्सेल शीट के अंदर मैंने कुछ थोड़े से अमेंडमेंट किए हैं जो आपको बताना चाहूँगा। पहले 4 ट्रेड थी, मेरे पास कुछ मैसेजेस आए कि सर जी 4 ट्रेड कौन करता है, मैंने चलो 4 को मैंने 7 ट्रेड में कर दिए, जिसके अंदर मैंने 4 ट्रेड को पॉजिटिव साइड से लिया है ताकि आप देख सको। आपके सामने स्क्रीन में पहली ट्रेड, दूसरी, तीसरी, हर एक ट्रेड में 1,00,000 रुपये लगाए हैं मैंने, इन्वेस्ट किए हैं। आप चाहे तो 10,000 रुपये लगा सकते हैं, आप चाहे तो 100 रुपये लगा सकते हैं, डिवाइड कर दीजिएगा। अगर आप 10,000 रुपये की इन्वेस्ट किए आपने, मान के चलते एक ट्रेड में, तो आप उसे डिवाइड इस ट्रेड को जो भी प्रॉफिट है उसको डिवाइडेड बाई 10 कर दीजिएगा, तो आपका 10 गुना, या फिर टोटल जो प्रॉफिट हो उसको डिवाइडेड बाई 10 कर दीजिएगा, ठीक है। 5,000 लगाए तो उसको डिवाइडेड बाई 20 कर दीजिएगा, जो सिंपल सा फंडा ये है। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मैंने एक ट्रेड लगाई, मुझे उसमें 100% प्रॉफिट हुआ, यानी कि 1,00,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ मुझे। ये जो सेक्शन है ये विदाउट TDS है, ये है जुलाई के बाद का, तो हम इस वक्त ये वाला पोर्शन हमें भी काउंट करेंगे। हम जो इस वक्त सिर्फ ये पोर्शन काउंट करेंगे ताकि हमें जो भी प्रॉफिट मिल रहा है अभी ये है, क्योंकि TDS तो 1 जुलाई से स्टार्ट होगा, ठीक है, तो इसलिए हमें अभी उसकी टेंशन नहीं लेनी है। जो अभी हमारे सामने हम उसकी बात करेंगे। ये देखिए तो हमारा जो प्रॉफिट 30% इनकम टैक्स सीधा आएगा इसके ऊपर, यानी कि 30,000 रुपये का आएगा। अब उसके पास 4% सेस लगेगा ही लगेगा। कल हमने इसके ऊपर देखेंगे, हम कल यहाँ पर हमने सरचार्ज भी लिया हुआ था, फिर मैंने काफ़ी स्टडी की, ठीक है, तो स्टडी से हमें ये निकल कर आया। देखेंगे हम यहाँ पर, ये देखिए जो ये 30% टैक्स लग रहा है, मैं यहाँ पर लेकर चलता हूँ सरचार्ज के ऊपर। आप देखोगे सरचार्ज के लिए क्या है, देखिए 50,00,000 से 1,00,000 रुपये पर आपको 10% का सरचार्ज देना होगा, ठीक है। जो भी आपकी इनकम जो आपकी बनती है, जो यानी कि ये आपकी, अगर मान के चलते आपने 50,00,000 रुपये कमाए हैं एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, ठीक, अब वो अप्लीकेबल होगा अब से, इस 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च 2023 तक। मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ, सरचार्ज मान लेते हैं आपने 50,00,000 रुपये कमा लिए, ये ज़्यादा है, मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। जैसे इन्होंने बताया तो यहाँ पर 30,000 का मतलब 3,000 रुपये आपको सरचार्ज भी लगने वाला है, ठीक है। बट अभी 50,00,000 रुपये बहुत बड़ी बात है, तो हम इसको अभी हटा देते हैं कि आप तक किसी का कोई लोग कमाते भी होंगे, तो इसलिए सरचार्ज की लाइन हमारे लिए हटा देते हैं। 2 करोड़ से 5 करोड़ तक अगर कमाओगे तो 25% का आपकी इनकम पर सरचार्ज लगेगा। अगर आपको 5 करोड़ से ऊपर है तो फिर आपको 37% का आपकी इनकम पर सरचार्ज लगेगा, जो भी आपने 30,000 रुपये कमाए उसके ऊपर 37% और लगेगा, ठीक है। सरचार्ज की इसलिए हम बात ख़त्म कर देते हैं, सरचार्ज नहीं लगेगा हमारे लिए, ठीक है। अब आप सेस की बात करते हैं, करंट रेट ऑफ सरचार्ज, देखिए सेस की बात करते हैं, 4% लगेगा ही लगेगा, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है। इट इज पेबल बाय ऑल पर्सन लायबल टू पे इनकम टैक्स, जो भी पे कर रहा है इनकम टैक्स उसको ये देना ही देना होगा, ठीक है। तो ये मैं आपके लिए बताना चाह रहा था, बाकी आपको पता ही होगा ये इन्होंने जो इनकम टैक्स इनकम स्टार्ट कर दी, ये आपको थोड़ी सी न्यूज़ के बेसिस पर भी डिटेल देना चाह रहा था। एक इन्होंने यहाँ पर एक टैक्स टू विन करके कोई वेबसाइट है, यहाँ पर इन्होंने दे रखा, मैं कहता हूँ मैंने अपनी टोटल वैल्यू लगाई थी, मान लेते 70,000 रुपये मैंने लगाए थे, इन्वेस्ट किए थे, और मैंने उसको बेचा है 1,00,000 रुपये में, यानी कि मुझे 30,000 रुपये का टोटल प्रॉफिट हुआ, तो मेरे 9,360 रुपये इंक्लूडिंग सेस, देखिए सेस इसने भी इंक्लूड किया है, सरचार्ज नहीं किया है, तो 9,360 रुपये का मुझे टैक्स लगा, ठीक है। और यहाँ पर जो 30,000 रुपये है ये मेरा प्रॉफिट था, उसमें से 9,360 यानी कि करीब करीब मुझे ये समझ लीजिए 20,000
650-640 रुपये मुझे प्रॉफिट हुआ यहाँ पर। इसने अभी इसके अंदर एक्सचेंज की फीस नहीं काटी है, ठीक है, यहाँ पर एक्सचेंज की फीस नहीं काटी, यहाँ पर इसने आपका सीए की फीस नहीं डिडक्ट की है, तो काफ़ी सारी चीज़ें छुपी हुई है इसके अंदर। अभी जीएसटी की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि जीएसटी अभी तक लागू नहीं हुआ है इसके ऊपर, इसलिए मैं आज आपसे सिर्फ यही बात करूँगा। अगर 1 जुलाई के बाद की बात होती तो हमारे पास टीडीएस लगता। मैं आपको बात करता हूँ, यहाँ पर मैंने 30% इनकम टैक्स और 4% सेस इनकम टैक्स के ऊपर 1200 रुपये लगा, 31,200 रुपये हमारा टैक्स बनता है, ठीक है। इसके बाद हमारी जो सीए की फीस है 5,000 रुपये हमने मान ली, ठीक है, आपको 10 भी लग सकती है कि आपके 1,000 भी लग सकते हैं, जितनी आपकी लगती हो उतना आप अपने प्रॉफिट में से थोड़ा सा और लेस कर लीजिएगा, मतलब उसमें और ऐड कर लीजिएगा, जितने आप कमी से यहाँ से करते हैं वहाँ पर वो ऐड हो जाएंगे, मतलब आपका प्रॉफिट उतना इंक्रीज हो जाएगा। पर मैं मिनिमम 5,000 रुपये लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। एक्सचेंज की फीस हमने 1,000 रुपये मान ली, ठीक है, क्योंकि आप बाय करोगे जब भी लेगा वो, सेल करोगे तब भी दोगे आप, ठीक है, तो ये 1,000 रुपये, तो यानी कि आपके टोटल जो एक्सपेंस हो गया सब मिलाकर 37,200 रुपये हो गए एक ट्रेड की। सीए की फीस आपको बार बार नहीं जुड़ेगी, वो एक ही बार देनी है आपको पूरे साल में, चाहे आप कितनी ट्रेड करते हो। अब की बार मैंने 60 ट्रेड का एग्जांपल लिया है, तो आपका जो पैसा बचा 1,00,000 प्रॉफिट से 62,800 रुपये बचा। दूसरी ट्रेड आपने जो की उसमें आपका 50% का लॉस हो गया, 1,00,000 में से 50,000 रुपये बचे आपके, ठीक है, 1,000 रुपये की फीस तो लगेगी बाय सेल में, तो वो आपके 51,000 रुपये खर्च हो गए। ऐसे तीसरी ट्रेड में आपने 19,640 बनाए, यानी कि 30% आपने प्रॉफिट गेन किया, उस पर इतना टैक्स लग गया आपका। सीए की फीस इसमें नहीं है, सेस नहीं है इसके अंदर, ठीक है। मैं सिर्फ ग्रीन सेक्शन की बात कर रहा हूँ क्योंकि अभी 1% जीएसटी भी चालू नहीं हुआ है ना आप, और सॉरी 18% जीएसटी की बात ही नहीं कर रहे हैं ना, टीडीएस की बात करें, अब इसके अंदर से सेस की भी बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो हमारे पास 19,640 का प्रॉफिट हुआ। चौथी ट्रेड में हमने 16,000 का लॉस किया, ठीक है, और पांचवी ट्रेड में हमने 29,900 का, ये करके जो हमारे टोटल सारी जो कैलकुलेशन बनती है 62,000, 19,600, इस तरीके से हमारी टोटल कैलकुलेशन बनेगी। आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ हमारी टोटल ट्रेड कितनी है, 7 ट्रेड्स, ठीक है। यहाँ पर अब मैं चलता हूँ थोड़ा सा आगे, यहाँ पर आप देखोगे, ये देखिए 1,00,000 टोटल हमारा जो प्रॉफिट निकल कर हमारा, वैसे टोटल हमने प्रॉफिट कमाया एक्सचेंज के अंदर ये रहे 2,37,000, हमारा टोटल लॉस हुआ 1,05,000। अब हमारा जो ओवरऑल प्रॉफिट बना 1,32,000, उस 1,32,000 पर हमें यहाँ पर देखोगे हमने जो टैक्स वैक्स काट के हमारा जो टोटल प्रॉफिट बन रहा था 1,54,000, लॉस जो हमारा गया 1,08,000, ठीक है, ये खत्म होगा तो हमारे पास बचते हैं 46,056 रुपये। तो लॉस जो सेट ऑफ नहीं हो रहा ना, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। अगर यहाँ पर गवर्नमेंट अगर इसके अंदर से लॉस सेट ऑफ कर देती ना, मैं कह रहा हूँ अगर गवर्नमेंट इसके अंदर से लॉस सेट ऑफ कर देती तो फिर फिर परेशानी नहीं थी, फिर तो कोई बात नहीं यार। तो फिर हमें इस 46,000 के ऊपर हमें जो भी मान लेते हैं 0.37% मान लेते हैं, तो फिर हमें इतना इसके अंदर ब्याज देना पड़ता, सॉरी टैक्स देना पड़ता, यानी कि 17,040 देना पड़ता। बट अभी गवर्नमेंट कितना ले रही, 1,08,000। तो ये बस सबसे बड़ी दिक्कत की बात है। अगर हम टीडीएस के साथ बात करते हैं, ठीक है, तो फिर हमें हमारा प्रॉफिट रह जाएगा 42,636, ठीक है। अभी विदाउट टीडीएस में हमारे पास 46,000 का प्रॉफिट हो रहा है, वैसे 42,636 का प्रॉफिट होता। आपने 7,00,000 रुपये लगाए 7 ट्रेड के अंदर, सिनेरियो कुछ और भी हो सकता था, जबकि मैंने एक ट्रेड के अंदर तो 100% का प्रॉफिट दिखाया है, दूसरे में 45 का, तीसरे में 30 का, चौथे में 40 का, ठीक है, 62 का, इस हिसाब से दिखाया है, जबकि लॉस मैंने बहुत कम दिखाया है। लॉस मान लो एक में 50 दिखाया है, एक में 15 दिखाया है, एक में 40 दिखाया है, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा नीचे, यहाँ पर आप समझेंगे टोटल प्रॉफिट हमारा हुआ 1,54,000, जो भी हमने सारा प्रॉफिट जो प्रॉफिट की से काउंटिंग की हमने, उन सबका टोटल ये टोटल लॉस हमारा 1,08,000। तो हमारे 7 ट्रेड के बाद हमारे पास जो इनकम सब कुछ टैक्स काटने के बाद हमारे पास बचते 46,056 रुपये, ठीक है। इसके अंदर आपकी मशीनरी की कॉस्ट, अगर आपने किसी को बिठाया हुआ है या आप यूज़ कर रहे हैं, कोई सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट को सिस्टम ऑफिस खर्चा मेंटेनेंस खर्चा कुछ भी इंक्लूड नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ बाय और सेल और टैक्स देने के बाद मामला। क्या पता आपके इसके अंदर कोई सिस्टम खरीदने में कोई मशीनरी खराब हो गई हो, लैपटॉप खराब हो गया, उसको उसके अंदर एक्सपेंस जो हुआ वो गिनती नहीं है इसकी, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पर आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा जो मैं भूल गया था, सीए की फी जो आप 5,000 दोगे, सीए आपके घर पर नहीं आएगा, साल में किसी एक दिन तो जाओगे ना उसके पास सारा डेटा देने के लिए, ऑफिस से छुट्टी करके जाओगे। तो यहाँ पर मैं कहता हूँ अगर आपकी 500 रुपये की भी दिहाड़ी है, 1,000 रुपये की भी दिहाड़ी है, तो उसको भी इसके अंदर से लेस करिए। ये नेचुरल है, आपके घर पे सीए आएगा नहीं देने के लिए हिसाब किताब, आपको ही जाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं कहता हूँ इसमें से मैं कह रहा हूँ 500 रुपये या 700 रुपये मैं इसमें से लेस कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे -700, तो आपके पास ये कमाई बचती है यहाँ पर, ठीक है, ये आपके पास कमाई बचती है आपकी, ये आपकी इनकम होती है एक्चुअल में 45,007 ट्रेड करने के बाद। अब देखो ट्रांसफर पर भी टैक्स लगेगा, एक्सचेंज की फ़ी लगेगी, सीए की फीस लगेगी, टैक्सेस लगेंगे सारे,
ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको ये बताया, एक दिन छुट्टी भी करके जाओगे धक्के खाओगे, ठीक है, हिसाब किताब भी रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। मैं ये नहीं कर रहा छोड़ दो ट्रेड, आगे चलकर अमेंडमेंट ज़रूर होंगे इसके अंदर, क्योंकि गवर्नमेंट अभी जैसे इंडोनेशियन गवर्नमेंट ने 0.01 का टैक्स लगाया है अब क्रिप्टो के ऊपर, ये होता है टैक्स, 1% टैक्स लगाया है, दबा के ट्रेडिंग होगी वहाँ पर। और इंडिया के अंदर एक ही बार में क्या करेंगे गवर्नमेंट, हाथ में हमारे क्या बचेगा, हमारे जैसे प्यारे यूजर्स के हाथ में क्या बचेगा, चलो देखते हैं। ये देखो बाबा जी का आगे आपको दिखाई दे रहा है बहुत बड़ा वाला घंटा, ये बचेगा हमारे पास, एक्चुअल फैक्ट ये है। इंडियन गवर्नमेंट हमारे हाथ में क्या देना चाह रही है, ये देना चाह रही है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इन्होंने क्रिटिकल सिचुएशन कर दी, अभी तो बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई है, जो सीए जाके आपको और भी चीज़ें बताएगा कि ये करना चाहिए, तो ये हिसाब रखना चाहिए, ये पैसे कहाँ से आ गए, ठीक है। इसका एक सोल्यूशन है मेरे पास, सोल्यूशन बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखा हो ही जाए, ठीक है, तो ये भी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। टैक्स नहीं देना ना, तरीके हैं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको वो देखने को मिलेगा। इस वीडियो में जो आपको डिटेल मैंने इन्फॉर्मेशन दी, अगर पसंद आए लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।